出现。एक चलोगे रोलिंग एंड हाय गाइस, मायसेल्फ राशुल टंडन और जैसा कि आप मुझे देखते हैं अलादीन नाम तो सुना होगा मैं जिन के रूप में टेली ट्रेंड्स देखने वालों को मैं ये बता दूं कि आपने अभी इस समय देखा होगा कि इस सीक्वेंस में इन दोनों की लड़ाई हो रही है, अंगूठी के जिन और इसकी जिनू की लड़ाई हो रही है। ये पहले से ही एक ही सीक्वेंस ऐसा चलता आ रहा है कि अंगूठी का जिन आ चुका है बगदाद में, बगदाद में आके ये तबाही मचाना चाहता है, ये चीज़ प्रूव कर देना चाहता है उस जिनू को कि लोग ख़राब हैं, इंसान खुदगर्ज लोग होते हैं और वो लोग ऐसे होते हैं कि आज तुम्हारे लिए अच्छे हैं लेकिन कल अच्छे नहीं होंगे। इसको ये बात समझ नहीं आती कि नहीं नहीं ये बात गलत है, अपने अम्मी और अपने भाई का सगा है, अपने बगदाद से मोहब्बत करता है, लेकिन जहाँ इसको लगा कि नहीं ये ख़तरा बनता जा रहा है अंगूठी का जिन और कहीं ना कहीं घर में आ जाता है उसके फर्स्ट टाइम, जैसा कि आपको पता होगा कि ये घर में आता है फर्स्ट टाइम, इसको एक ख्वाब आता है, इसको लगता है कि मैंने ख्वाब देखा कि अंगूठी का जिन मेरे घर में आ गया। वो थोड़ा इधर उधर देखता है कि नहीं अंगूठी का जिन नहीं है, लेकिन अचानक से एक पीछे से एक टैप होती है और वो बताता है कि मुड़ के देखता है और देखता है कि अंगूठी का जिन सामने खड़ा है। इसके होश उड़ जाते हैं, ये समझ नहीं पाता है कि अंगूठी का जिन सामने कैसे आ गया। तब जाके अंगूठी का जिन एक धमकी देता है, कहता है कि तुमको मैं बता के रहूँगा और तुम्हें यूं बातों से नहीं समझ में आता तो मैं तुम्हारी अम्मी, तुम्हारे भाई, तुम्हारे पूरे के पूरे बगदाद को तबाह कर दूँगा, और कुछ ऐसी धमकी देके वो निकल जाता है। सीन जो आज आपने देखा ये उसी का ही कंटिन्यूएशन है कि वो हवा में कहीं ना कहीं आउटर स्पेस में जाके ये लोग आपस में लड़ते हैं और अनफॉर्चुनेटली जिनू इस बार हार जाता है, इस बार भी क्योंकि इससे पहले भी हार चुका है, हार जाता है और
अंत में सिर्फ इतना ही कहता है कि मैं इस बार भी हार गया हूँ जो कि होना नहीं चाहिए था, और अगर मुझे अम्मी और अपने भाई के साथ अगर रहना है तो मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी ताकतों को काबिल बनाना पड़ेगा, इतना सक्षम बनाना पड़ेगा कि मैं अंगूठी के जिन से लड़ सकूं और इसको जीतना ना दूं। ऑलराइट, सो टेलीट्रेंस थैंक यू सो मच। मैं हूँ राशुल टंडन, आपका जिन अलादीन नाम तो सुना होगा से, जो कि आता है मंडे से फ्राइडे रात 9 बजे ओनली ऑन सब टीवी। आप यूं ही देखते रहें, हमें प्यार देते रहें। थैंक यू। राइट पीछे नहीं, हाँ आ गया राइट आओ। ओके गिर चुके हो, ऑलरेडी गिरे हुए हो।
थोड़ा आगे 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 आ जाओ आ जाओ कोई नहीं गुड एंड बहुत एक्साइटेड हो पता नहीं पूरा बगदाद दिखाने वाला है एंड एक्शन और इस नंबर पे पकड़ो उसको लाइन अलादीन हमें और टाइट पकड़ो ना दुपट्टा ऊपर कर लीजिए देखिए मैं उनको बगदाद घुमाऊँ वो भी अपनी आँखों से तो मैं अपनी आँखों से मैं कारपेट में उनको ले जाता हूँ मैजिकल वर्ल्ड टाइप से दिखाता हूँ लेकिन मैं उनको ये बता नहीं सकता तो इसलिए मैं उनके आँखों में पट्टी बांध के रखता हूँ तो वो बोलती हैं कि ये हवा कहाँ से चलती है मतलब वो फैन चल रहा है यहाँ पे फूल वगैरह उड़ा रहे हैं थोड़ा रोमांटिक होने की कोशिश कर रहे हैं उनके साथ लेकिन क्या ये पता है कि वो असली यास्मीन नहीं है सी मेरे लिए तो मुझे लगता है कि वही यास्मीन है महर जो बनी है मुझे लगता है कि शहजादी यास्मीन वही है मेरे लिए तो इसलिए मैं भी उनके लिए सब कुछ करता रहता हूँ फूल बरसाता रहता हूँ उन्हें खुश करने की कोशिश करता रहता हूँ
अच्छा लेकिन जब असली यास्मीन को देखेंगे तब क्या होगा? पता नहीं, मैं भी यही इसी थिंकिंग में हूँ कि क्या होगा जब मुझे पता चलेगा कि असली यास्मीन कौन है, ये नहीं है। डेफिनेटली थोड़ा हार्ट ब्रेक भी तो होगा और साथ साथ मुझे खुशी भी होगी, लेकिन अभी पता नहीं कि मुझे कब पता चलेगा। अच्छा कुछ तो लेकिन आपको पता चला, थोड़ी सी आप डाइवर्ट हो गए, कहीं पे माइंड डाइवर्ट हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया, ऐसा क्या देख रहे हैं? बेसिकली बगदाद में भी बहुत यू नो खतरा चल रहा है अंगूठी के जिन का, तो वो क्या कर रहा है, बगदाद में आके तहस नहस करके चला, तो सबके अंदर एक खौफ है जिन का। और ऊपर से एक और चीज़ ये हो गया है कि मेरी अम्मी जो है वो भी जिन से नफरत करने लगी है, और मेरा भाई जिनू वो भी जिन है, लेकिन हर जिन बुरे नहीं होते, वैसे ही मेरा भाई भी है, वो जिन बुरा नहीं है लेकिन दूसरा जिन बहुत बुरा है, और वो पूरे बगदाद में तबाही मचा रहा है। और ऊपर से चाचा चाची लोग भी नीचे जा रहे हैं, तो वो कुछ हाथ में डंडा लेके किसी को मारने जा रहे हैं, तो वो किसको मारने जा रहे हैं, मैं यही उसमें चला जाता हूँ ड्रिंक में, क्या हो रहा है, किसको मारने जा रहे हैं, तो मेरा पूरा दिमाग उधर चला जाता है। लास्टली कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस को जो आप दोनों के ट्रैक को काफ़ी पसंद कर रहे हैं? मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच कि आप हमारे शो को इतना ढेर सारा प्यार देते हैं, और इसी तरह देते रहिए, हमारे शो को लाइक करते रहिए और इसे नंबर वन बनाइए। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी शिवरात्रि। थैंक यू सो मच। थैंक यू।